Welcome class 11th. In today's history class, students, in our previous class we have discussed about gender literacy and culture of Roman Empire, and today we have to discuss about economic expansion of Roman Empire. Roman Empire में किस तरह से economic activities हो रही थी और किस तरह से economic growth हो रहा था, ये हम आज पढ़ेंगे. Let's start today's study. इकोनॉमिक एक्सपेंशन. स्टूडेंट्स, हम सब ने पढ़ा कि रोमन एम्पायर का एक लार्ज एरिया सी के साथ मर्ज था, सी के साथ जुड़ा हुआ था, है ना, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज रोमन एम्पायर को मिलता है. इतने लार्ज कोस्टल एरिया होने की वजह से रोमन एम्पायर में ट्रेडिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होनी थी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट या किसी भी अदर वे में जो भी एक्टिविटीज़ करनी थी, इंटरेक्ट करना था एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ, वो बहुत ही आसानी के साथ हो पा रहा था. रोमन एम्पायर उस टाइम पर बहुत हद तक रिच था. किन किन चीज़ों में? कुछ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, जिसमें से सबसे पहले जैसे हार्बर यानी हमारे पोर्ट्स, वो पार्ट जहाँ पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो प्लेस, है ना. अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो उस पोर्ट पर यानी उस हार्बर पर हम क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं उन गुड्स की जो हमें एक्सपोर्ट करना है. और अगर कोई चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं तो हमारे पास एक हार्बर चाहिए होता है. तो क्योंकि इसकी कोस्टल बाउंड्री बहुत ज़्यादा थी यानी हमारे पास पोर्ट्स हार्बर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल थे जो ट्रेडिंग करने के पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे. इनके अलावा रोमन एम्पायर के अंदर डिफरेंट टाइप के माइंस, क्वेरीज, ब्रिक यार्ड्स, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज़ और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो जिसने इकोनॉमिक एक्सपेंशन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया रोमन एम्पायर के अंदर. वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल जैसी चीज़ें जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट में उस टाइम पर कंज्यूम की जा रही थी, यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी दूसरे कंट्रीज़ में, ठीक है. और ये सारी चीज़ें कहाँ से मेनली जा रही थी? ऑलिव ऑयल और वाइन जैसी चीज़ें मेनली ये स्पेन से जा रही थी, क्योंकि स्पेन और गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और बाद में इटली भी इन सेंटर्स में से में शामिल हो गया, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑलिव ऑयल और वाइन को एक्सपोर्ट कर रहे थे. इन जगहों पर जो कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल थी, बेस्ट कंडीशंस थी इन क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से ये सेंटर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रोमन इकोनॉमिक एक्सपेंशन के अंदर, ठीक है. अब जो भी कंटेनर्स यूज़ किए जा रहे थे उस टाइम पर, जो पॉट्स यूज़ किए जा रहे थे, जो बर्तन यूज़ किए जा रहे थे, वेसल्स, उनको एम्फोर्स कहा जाता था उस टाइम पर. लिक्विड को कैरी करने के लिए काम आता था, जैसे वाइन और ऑलिव ऑयल, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इनको एम्फोर्स नाम के कंटेनर्स में रखा जाता था और फिर ये एक्सपोर्ट किए जाते थे बहुत ज़्यादा अमाउंट में. हमारे हिस्टोरियंस को इन एम्फोर्स के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, इनके पार्ट्स मिले हैं, ऑलमोस्ट 50 मिलियन वेसल्स इस तरह से हमें मिले हुए हैं रोमन एम्पायर के अंदर, जिससे साफ पता चलता है कि ये जो वेसल्स थे, ये जो बर्तन यूज़ किए जाते थे, वो उनके अमाउंट से ही पता चलता है कि कितने ज़्यादा अमाउंट में ऑलिव ऑयल और वाइन जैसे लिक्विड चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता रहा होगा. अगर हम इन जो वेसल्स मिले इनकी स्टडी करते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो किस यूज़ में आते थे. कुछ उसके एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं मेडिटेरेनियन सी के पास, और ये माना जाता है कि इसी सी के आसपास का जो एरिया था वो ज़्यादातर इन तरह के जो ऑलिव ऑयल और वाइन जैसी चीज़ें थी उनको एक्सपोर्ट करने में यूज़ की जाती थी. यानी ये कुछ मेन सेंटर्स थे जो मेडिटेरेनियन सी के पास के सेंटर्स थे.
यहाँ पर स्पेनिश को मेनली ऑलिव ऑयल के लिए जाना जाता था। अगर हम सिर्फ स्पेनिश के ऑलिव ऑयल की भी बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कमर्शियल इंटरप्राइज़ का, कमर्शियल गुड्स का, जो अपने बहुत ज़्यादा पीक पर पहुँचता है 140 to 160 के टाइम पर। ये एम्फोर है। इस तरह के कंटेनर्स में लिक्विड जैसे वाइन और ऑलिव ऑयल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। इस टाइम का जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था उसको कैरी करने के लिए जो कंटेनर यूज़ किए जाते हैं कंटेनर्स, उनको ड्रेसल 20 कहा जाता था। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेडिटेरेनियन सी के पास मिले हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट में भेजा जाता था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी हम समझ सकते हैं कि ज़रूर स्पेनिश ऑलिव ऑयल में कुछ खूबियाँ थी, कुछ क्वालिटीज़ थी, जिसने इस एरिया के, इसके आसपास के जो रीजन्स थे वहाँ के मार्केट पे अपनी एक जगह बना ली, है ना। मे बी वो कॉस्ट में बहुत सस्ता रहा होगा और बेटर क्वालिटी का रहा होगा दूसरे जगह से आने वाले जो ऑलिव ऑयल्स थे उनसे, है ना। तो क्वालिटी, और अगर उसके रेट की बात कर लें तो हो सकता है कि वो लोअर प्राइसेस में अवेलेबल रहा होगा, इसलिए इसने इतने लार्ज एरिया के मार्केट में अपनी जगह बना ली। क्लियर। तो मार्केट पे हमेशा एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में कंपटीशन होता रहता था कि उनका कंट्रोल मार्केट पे रहे और उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो इस तरह से कंपटीशंस तो लगातार चलते रहे हैं, है ना। लेकिन स्पेनिश इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और स्पेनिश ऑलिव ग्रोवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे थे। तो जो ऑलिव ऑयल्स के लिए सबसे ज़्यादा स्पेनिश जाना जा रहा था, बाद में वो चेंज होता है कुछ समय के बाद, क्योंकि मे बी उससे अच्छी क्वालिटी और लो प्राइजेस पर नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स इन चीज़ों को मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। तो शुरू में स्पेनिश बहुत तेज़ी के साथ मेन एक्सपोर्टर बनता है ऑलिव ऑयल्स का, देन नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स, और इसके बाद धीरे धीरे पाया जाता है कि 3rd and 4th century के टाइम पर या लेटर आफ्टर 425 नॉर्थ अफ्रीकन जो कुछ एरियाज़ थे वो धीरे धीरे इन चीज़ों के मेन एक्सपोर्टर्स बनते जाते हैं। इन द लेटर 5th and 6th centuries दी एजियन, साउदर्न एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया एंड पैलेस्टीन बिकेम मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वाइन एंड ऑलिव ऑयल। ठीक है। तो ये इस तरह का चेंजेस क्यों होता है? इस तरह का चेंजेस भी सिंपल सा आंसर होगा इसका, कि इस तरह के अगर चेंजेस हो रहे हैं कि कोई एक मेन प्रोड्यूसर है और बाद में कोई दूसरा उसकी जगह ले लेता है, तो इसका मतलब है कि वो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उन चीज़ों को अवेलेबल करा रहा है, लो प्राइसेस पे अवेलेबल करा रहा है, और हो सकता है कि उसकी क्वालिटी और ज़्यादा बेटर है पहले वाले कंट्री से ज़्यादा, है ना, पहले वाले जो भी प्रोड्यूसर है उससे ज़्यादा। तो इन रीजंस की वजह से टाइम के साथ साथ जैसे जैसे सेंचुरीज चेंज होती गई, हमने पाया कि ऑलिव ऑयल के जो मेन एक्सपोर्टर्स थे वो भी चेंज होते जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं हम कि पूरी कंट्री के मैक्सिमम जो बहुत सारे सेंटर्स ऐसे पाए जाते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी वे में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो एक्सपोर्टर्स बन रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ करा रहे हैं पूरी कंट्री को, है ना। तो पूरी कंट्री में हर जगह पर इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर हम दूसरे साइड पे देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये पूरा एम्पायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फर्टिलिटी भी मिली है। कैम्पेनिया इन इटली, सिलिकली, द फेयम इन इजिप्ट, गैलीली, बाइजेशियम ट्यूनीशिया का पार्ट है, साउदर्न गॉल जिसको गैलीली नरबोनेसिस भी कहा जाता है, और बैंटिका जो कि साउदर्न स्पेन का पार्ट है। ये बहुत ज़्यादा डेंसली सेटल्ड और वेल्थीस्ट पार्ट है पूरे एम्पायर का। यहाँ के बारे में दो राइटर्स हैं, स्ट्रैबो और प्लिनी, इन्होंने इन जगहों के फर्टिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इस टाइम पर जो बेस्ट टाइप की, बेस्ट काइंड की वाइन एक्सपोर्ट की जा रही थी वो हो रही थी
कैंपेनिया से। इसको हमेशा याद रखेंगे, ये वन वर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कैंपेनिया को बेस्ट काइंड के वाइन के लिए फेमस था जो एक्सपोर्ट कर रहा था। सिलिकली एंड बाइजेशियम जो था वो सबसे ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में और लार्ज क्वांटिटीज़ में वीट रोम के में एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। गैलीली डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली कल्टीवेटेड एरिया है जिसको, जिसके बारे में एक हिस्टोरियन है जोसेफस, उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने बताया है कि गैलीली का एक एक इंच सॉइल का, यानी गैलीली की सॉइल के एक एक इंच को यूज़ किया जाता है फॉर कल्टीवेशन, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इस जगह पर किया जाता है, ठीक है। और स्पेनिश ऑलिव ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ उसके लिए बहुत सारे इस्टेट्स थे, है ना। जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है वो बहुत ज़्यादा स्पेन के जितने भी पार्ट्स अंदर पाए जा रहे हैं, जो मेन सेंटर्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑलिव ऑयल वहाँ से प्रोड्यूस किया जा रहा है और ट्रेडिंग भी किया जा रहा था। और किस चीज़ के साथ किया जा रहा था, स्पेन का साउथ का जो पार्ट था वो ग्वाडलक्विविर नाम की एक रिवर से के साथ जुड़ा हुआ था, उससे लगा हुआ है स्पेन का साउदर्न पार्ट, और जिसके वजह से स्पेन को भी मिलती है ट्रेडिंग करने के लिए, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ये उसके एक उसके लोकेशन का एक एडवांटेज है जो कि उसको मिलता है। तो एक तरफ जहां हम पाते हैं कि रोमन एम्पायर का एक लार्ज एरिया बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है और ट्रेडिंग कर रहा है, दूसरे साइड पे हम देखते हैं कि रोमन की कुछ टेरिटरीज़ ऐसी भी थीं जो लेस एडवांस्ड थीं, बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ पर प्रोडक्शन या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं तो हमारे जो रोमन एम्पायर है उसमें न्यू मीडिया जो कि मॉडर्न अल्जीरिया का पार्ट है, वहाँ पर टाइम टू टाइम ट्रांसुमेंस होते रहे। ट्रांसुमेंस क्या है, ट्रांसुमेंस एनुअल मूवमेंट्स हैं, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर जो भी सिटीजन्स रहते हैं उनके द्वारा इस तरह के मूवमेंट्स किए जाते थे। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट था, है ना, न्यू मीडिया जो मॉडर्न अल्जीरिया का पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, यानी ये किन किन यूज़ में आ रहा है, ये पेस्टोरल और सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज़ जो थी वो यहाँ पर रहा करती थी। तो इनके पास कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन नहीं होने की वजह से ये लोग लगातार मूव करते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इनका एक जो इनकी हट्स होती थी, जो झोपड़ियाँ होती थी ओवन शेप की, ये अपने साथ कैरी करके चलते थे, है ना, क्योंकि इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। तो ये अपने ओवन शेप के हट्स को, जिनको मैपेलिया कहा जाता था, उसको लेकर मूव करते थे। और ऐसे ही रोमन जो एम्पायर है कई जगह पर ऐसे ही एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे जिस स्पेन की हम बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस था, उसी स्पेन का नॉर्दर्न पार्ट जो नॉर्थ का पार्ट है वो बहुत ही लेस डेवलप्ड था, है ना, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत ही कम लोग रहते हैं, और ये लोग सेल्टिक स्पीकिंग लैंग्वेज के हैं, मतलब सेल्टिक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, और ये हिल टॉप पे रहते हैं थे, ठीक है, इस स्पेन में नॉर्थ साइड के हिल टॉप पर रहने वाले विलेजेस में होते थे, और इन विलेजेस को कास्टेला कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम रोमन एम्पायर के इकोनॉमी की बात करते हैं तो इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है कि रोमन एम्पायर में भी, इतने प्रॉस्पीरियस एम्पायर के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन्स रहे हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र रहे हैं जो कि थोड़े से लेस डेवलप्ड रहे हैं या इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड भी रहे हैं। हमें साथ में ये भी नहीं भूलना होगा कि भले ही ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात है ना, ये एंशियंट वर्ल्ड की स्टोरी है, और उस टाइम पे हम कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ को बहुत ही बैकवर्ड मान लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि इतनी पुरानी बात है तो जो चीज़ें उस टाइम पर थी वो बहुत डेवलप्ड नहीं रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। रोमन एम्पायर के अंदर बहुत सारे
डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशंस यूज़ किए जा रहे थे, जैसे वाटर पावर उस टाइम पर यूज़ किया जाता था, जो प्रेजेंट टाइम पर हम भी यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पर मेडिटेरेनियन सी में बहुत सारे तरह के वाटर पावर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता था। उस टाइम पर वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी भी उसकी भी इन्वेंशन करा जा चुका था और बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा था। इस टाइम पर हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स भी डेवलप्ड हो चुकी थी। स्पेनिश गोल्ड सिल्वर माइंस और गिगेंटिक इंडस्ट्रियल स्केल्स में इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा था, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरीज़ के टाइम पर भी। उस टाइम पर वेल डेवलप्ड कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क की भी शुरुआत हो चुकी थी। प्रेजेंट टाइम की तरह बैंकिंग नेटवर्क भी उस टाइम पर हो चुका था, जहां पर आज के जैसे ही एक्टिविटीज़ बैंक्स में किए जाते थे, लोन्स देना, पैसे जमा करना, है ना, डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, वो सारी चीज़ें बैंक में उस टाइम पर भी की जाने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें जो रोमन एम्पायर में हो रही थी, ये इंडिकेशन इस बात की थी कि हम रोमन इकोनॉमी को पिछड़ा नहीं मान सकते, यानी रोमन इकोनॉमी बहुत ही वेल डेवलप्ड थी और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी थी। और इतनी ज़्यादा बड़ी जो हमारी रोमन एम्पायर था, उसमें उसको अच्छे ढंग से रूल करा पाना या उसमें इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो पाना पॉसिबल हो सकता था जब वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी। तो अच्छे इकोनॉमी का ही रिजल्ट था कि इतने वास्ट एम्पायर को इतने लॉन्ग पीरियड तक रूल किया जा सका। ठीक है, तो इतने बड़े ट्रेडिंग जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी रोमन पूरे एम्पायर के अंदर, ये भी इस बात को भी वो इशारा करती है कि जब इतना ज़्यादा ट्रेडिंग फैला हुआ है, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वहाँ पर लेबर्स और वर्कर्स की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही होगी, है ना। तो अब ये सारी अरेंजमेंट कैसे होती थी, कैसे कंट्रोलिंग किया जा रहा था वर्कर्स को, कैसे वर्कर्स की जो अवेलेबिलिटी थी उनको पूरा किया जा रहा था रोमन एम्पायर में, ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।